दिखा सकते हैं क्या थोड़ी? दिखाओ। ओ ये तो बहुत सारी घाव हो गए हैं आपके, बिल्कुल भी नहीं दिखता है, बिल्कुल भी नहीं। आप चल फिर कैसे लेते हो फिर? अच्छा, अंदाज से चलते रहते हो हैं, और हैबिट बन गई हो यानी आदत बन गई होगी आपको तो। अच्छा, तो आपने इलाज मिलाज कराया होगा? हाँ कराया है, सरकारी अस्पताल में जितना पैसा था उतना इलाज कराया। अच्छा, तो मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही परेशान है, और उसकी बड़ी ही दुख भरी कहानी है। तो मेरे वीडियो पर बने रहें, तो मैं आपको मिलवाता हूँ उस व्यक्ति से जिसको अभी उम्र भी कुछ नहीं है उसकी, और अभी से इतना सारा कष्ट झेल रहा है। दुनिया में सारे सबके पास कष्ट होंगे, पर मुझे इसका कुछ ज़्यादा ही कष्ट नज़र आता है। तो चलो मैं वो मिलवाता हूँ उससे। देख लीजिए, ये डला हुआ है। ए भाई, कौन है भाई? थोड़ा खड़े हो या बैठ सकते हो? क्या भाई सर, क्या बात है? नहीं, बात तो कुछ नहीं है, पर आपसे थोड़ी बात करनी है। ये आपकी खटिया तो बिल्कुल ही टूटी फूटी डली हुई है। हाँ ठीक है भाई। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीर सिंह। अच्छा, वीर सिंह है। तो आपको दिखता नहीं है? नहीं नहीं दिखता है। कब से नहीं दिख रहा है? कितने दिन हो गए? इसको लगभग 14-15 साल। तो आप तो बहुत छोटे होंगे जब। हाँ। अभी आपकी उम्र कितनी है? 30, तो अभी तो आपके पास बहुत सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है अभी तो। तो आपका ऐसे कैसे काम चलेगा? तो जी आपकी आंखें हैं थी ये ख़राब कैसे हुई? ये चूना से। अच्छा, चूना से कैसे? ये चूना खड़क रहा है। हाँ, तो चूने से हो गई थी क्यों? हाँ। इधर को देखो, तो दिखा सकते हैं क्या थोड़ी? दिखाओ। ओ हैबिट बन गई हो यानी आदत बन गई होगी आपको तो। अच्छा, तो आपने इलाज मिलाज कराया होगा? हाँ कराया है, सरकारी अस्पताल में जितना पैसा था उतना इलाज कराया। अच्छा, तो सरकार ने, सरकार के अस्पताल ने क्या कहा था? सरकारी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बोल रहे हैं कि बड़े अस्पताल में जाओ, प्राइवेट कहीं। हाँ, तो ये यहाँ तो डलेगी दूसरी। तो खर्चा मचा आ रहा होगा, कितना बता रहे थे? वही 2-3 लाख के करीब है। इतना पैसा अपने पास नहीं है, ये भी चाहिए, कहाँ से डलवाएं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं भाई लोग, तो सरकारी अस्पताल में इलाज कराया इन्होंने, और सरकारी अस्पताल में तो आप लोग जानते ही हैं किस तरीके से इलाज चलता है। तो इनका इलाज अभी भी हो सकता है, पर इनका इलाज थोड़ा प्राइवेट अस्पताल, अच्छे अस्पताल में दिखाना होगा, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना पैसा इनके पास नहीं है, अगर आप लोग थोड़ी बहुत मदद करें तो प्लीज़ इस बंदे की मदद करें, क्योंकि अभी इसके पास बहुत सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो देखते हैं भाई, आपका करते हैं कुछ, ठीक है भाई? ठीक।